नमस्कार साथियों, राम राम आप सभी को। मैं रिमन आप सभी के समक्ष आज एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ अपने फेसबुक पेज के माध्यम से। और आदमपुर उपचुनाव चल रहा है, कहीं देखो कहीं जाओ उसी की चर्चाएं चल रही है। कोई किसी को जिता रहा है तो कोई किसी को जिता रहा है। आपस के अंदर कटाक्ष चल रहे हैं चारों कैंडिडेट्स के। आपस के अंदर लोग बातें कर रहे हैं कौन जीतना चाहिए कौन हारना चाहिए। लेकिन SKM हिसार मीटिंग लेकर के जब आगे की तरफ बढ़ा तो उसका एक ही निर्णय हुआ कि हमें BJP को हराना है, हमें JJP को हराना है, हमें उन कूटनीतियों को हराना है जो पिछले समय से हमारे ऊपर राज करती आ रही है, जिनकी घोषणाएं सिर्फ घोषणा पत्र के अंदर दिखाई देती है लेकिन बाद में उन घोषणाओं के ऊपर वो विचार तक नहीं करना चाहते। आदमपुर आज अपनी दशा और दिशा दोनों के अंदर परिवर्तन करने के लिए तैयार है। आदमपुर अपने क्षेत्र के सुधार के लिए तैयार है। आदमपुर अब बदलाव चाहता है। आदमपुर नई दशा और दिशा चाहता है। आदमपुर अब इस सरकार को बताना चाहता है कि आपकी कूटनीतियां, आपके झूठे वादे और आपके वादा खिलाफ ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। आदमपुर बताना चाहता है इस BJP सरकार को कि जब आम आदमी अंगड़ाई लेता है, जब जनादेश होता है तो कुछ भी संभव हो जाता है। और वाकई में आदमपुर का उपचुनाव जो होगा हरियाणा की राजनीति का भविष्य तय करेगा। हम भी कल भी गए थे, आज भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे और उससे अगले दिन भी जाएंगे। जाएंगे आदमपुर क्षेत्र के गांव गांव, गली गली और घर घर इस BJP के विरोध में प्रचार करने के लिए। वोट करने से पहले याद रखना हमारे 750 किसानों की शहादत। वोट करने से पहले याद रखना बंद होते सरकारी स्कूल। वोट डालने से पहले याद रखना उन 10 लाख नौकरियों के वायदे। और वोट डालने से पहले याद रखना आपके अपने अपने क्षेत्र का विकास। वोट डालने से पहले याद रखना पीछे वादा खिलाफी जो हुई थी। और वोट डालने से पहले याद रखना कि किस तरीके से आपको ये लोग दबोचना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं और मात्र कीड़े मकोड़ों की तरह आपकी हैसियत को ये दिखा रहे हैं। तो आप सभी से, खास करके आदमपुर क्षेत्र से जुड़े लोगों से यही अपील और यही प्रार्थना करना चाहूँगी, आप यदि आदमपुर क्षेत्र के अंदर आते हैं और आपके पास भी उपचुनाव होने वाला है तो प्रयास कीजिए BJP के खिलाफ प्रचार प्रसार करने का, प्रयास कीजिए BJP को हराने का, प्रयास कीजिए उन तमाम मुद्दों पर बात करने का, सवालात करने का जिनका जवाब हमें सत्ता पक्ष से लेना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।